नमस्कार जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। जिले के गिरिडीह में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, दोनों ओर से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, दो लोग हुए घायल। यहां से बताते हैं कि मुफसिल थाना इलाके के तिनकोनिया गोरनीमार में बीती रात अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में इस घटना में दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें दो लोग घायल भी हो गए हैं। बताया जाता है कि घायलों में एक अपराधी और एक चालक शामिल है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। मतलब कि मिली जानकारी के अनुसार बीती रात को डुमरी थाना पुलिस को यह सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी किस्म के लोग चार पहिया वाहन से इलाके में भ्रमण कर रहे हैं। इसी के बाद डुमरी थाना पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने उक्त वाहन का पीछा करना शुरू कर दिया। इसके बाद अपराधियों की गाड़ी मुफसिल थाना इलाके के कोली मारन में पहुंची, जहां अपराधियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। इस घटना में एक चालक और एक अपराधी को गोली मार लगने की बात बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में ईडी ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज मिश्रा के दो और करीबी को किया गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय साहिबगंज ने 1,000 करोड़ के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पत्थर व्यापारी टिंकल भगत एवं भगवान भगत से शुक्रवार को पूछताछ की। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्विंकल भगत और भगवान भगत पंकज मिश्रा के करीबी हैं। ट्विंकल भगत झामुओ के प्रोफेशनल सेल का जिला सचिव हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी के साथ ही अवैध खनन के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। अभियुक्तों की संख्या 7 हो गई है। इसमें पहले ईडी इस मामले में पंकज मिश्रा, बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश, पशुपतिनाथ यादव और कृष्णा शाह को गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है। तो वहीं दूसरी वो सीरम टोली और कांगा टोली फ्लाईओवर निर्माण के चलते रांची के कई इलाकों में 4 सितंबर तक वाहनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। सीरम टोली से राजेंद्र चौक होते हुए मेकन चौक तक फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। इस कारण 8 जुलाई से 4 सितंबर तक रूट डाइवर्ट किया गया है। प्रथम चरण में 8 से 14 जुलाई तक इन C2 टेक स्लैब कास्टिंग कार्य होने तक मेकन चौक की तरफ से राजेंद्र चौक की ओर जाने वाले वाहन मेकन चौक से पुराना हाईकोर्ट, अंबेडकर चौक, कमांडेंट आवास होकर राजेंद्र चौक होते हुए गतम्ब की ओर जा सकेंगे। वहीं खटरू ब्रिज से मेकन चौक की ओर जाने वाले वाहन खटरू ब्रिज से राजेंद्र चौक होते हुए गंतव्य तक जा सकेंगे। ज्ञात होगा कि फ्लाईओवर का निर्माण करा रही कंपनी L&T के प्रोजेक्ट मैनेजर मारुति श्रीवास्तव ने ट्रैफिक SP हारिस बिन जमा को पत्र लिखकर रूट डाइवर्ट करने का आग्रह किया था। इस स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की विशेष व्यवस्था की गई है। तो वहीं दूसरी ओर बाबा मंदिर के आसपास बड़े वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बचले के झारखंड में देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो शक्तिपीठ भी है, यानी एकमात्र ऐसा धाम जहाँ शिव और भक्ति दोनों एक साथ विराजमान है। इस शिव और भक्ति का मिलन स्थल भी कहा जाता है। कहते हैं कि बाबा धाम आने वाले भक्तों की सभी मंत्र जरूरी पूरी होती हैं, जिसके कारण मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। श्रावणी मेले को देखते हुए श्रावणी मेला के सफल संचालन को लेकर DC मंजुनाथ मजंत्री व SP सुभाष चंद्र जाट ने सूचना भवन सभागार में सभी वरीय अधिकारी, मेला क्षेत्र में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व पुलिस बल के अधिकारियों को सामूहिक रिपोर्ट की। DC ने कहा कि सभी को अपनी समन्वय व सहयोग से संपूर्ण मेला क्षेत्र में कार्य करने का निर्देश दिया गया है। श्रद्धालुओं को सुलभ और सुरक्षित जलापण कराना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि भीड़ को नियंत्रित करना, भीड़ प्रबंधन पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार को होने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई जा रही है। तो दूसरी वो जमशेदपुर के मानकों में रंगदारी वसूली को लेकर 3 राउंड फायरिंग, 3 खोखा हुआ बरामद। जमशेदपुर के मानकों में शुक्रवार की सुबह मछली विक्रेताओं से रंगदारी वसूलने को लेकर बाइक सवार 3 युवकों ने सरेआम 3 राउंड हवाई फायरिंग की। घटना के बाद 2 युवक बाइक पर बैठकर फरार हो गए, जबकि तीसरा युवक वहाँ दुकान पर चाय पी रहे भाजपा नेता और पिस्तौल उठाकर उसकी बाइक पर सवार हो गया और कदमा मरीन ड्राइव चलने को कहा। वहाँ पहुँचकर वह बाइक से उतर गया और भाजपा नेता को भाग जाने को कहा। मामले में मछली विक्रेता सुदेश मासाही के बयान पर मानको थाना में 3 अज्ञात युवकों के खिलाफ फायरिंग की प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखा बरामद किया है। मछली विक्रेता के अनुसार फायरिंग से पहले तीनों युवकों ने गाली गलौज की और
उसके साथ कागजात व वजन करने वाली मशीन फेंक दी। घटना सुबह करीबन 6:20 की बताई जा रही है। पुलिस वाहन पुलिस युवकों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस फुटेज में युवकों को भागने की तस्वीर कैद हुई है। तो वहीं दूसरी ओर बीआरसी में पड़ी है पर 1,75,000 स्कूली बच्चों को नहीं मिल रही हैं किताबें। हजारीबाग जिले के लगभग 1500 सरकारी स्कूल कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत और 1,75,000 ननिहालों को चालू सत्र 2023-24 में किताबें नहीं मिली हैं। कोरोना के कारण सत्र में बदलाव हुआ है। 2023 में 1 जून से सत्र शुरू है। सत्र शुरू के तक 37 दिन बीत गए हैं। ननिहालों को किताबें नहीं मिली हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि बगैर किताब या फिर फटी पुरानी जुगाड़ माध्यम से विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं कहीं के स्कूल में यह भी स्थिति नाराज बताई जा रही है। 1-3 अनुपस्थित रहने पर बच्चे को शिक्षक ने की बेरहमी से पिटाई। BEEO ने कहा होगी कार्रवाई। प्रखंड की दक्षिणी पंचायत में एक निजी विद्यालय के शिक्षक का अमाननीय चेहरा सामने आया है। यहां शिक्षक ने प्री नर्सरी के छात्र के सिर इसलिए जमकर पिटाई कर दी क्योंकि बच्चा एक दिन विद्यालय में अनुपस्थित हो गया था। मामला मरकच्चो मध्य पंचायत के रोशनबागी में संचालित ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल का है। घटना शुरुआत सुबह की है। जानकारी के अनुसार 5 वर्षीय मोहम्मद टाइगर उक्त विद्यालय में प्री नर्सरी का छात्र बताया जा रहा है। पिछले दिन वह अपने स्कूल नहीं आया था। सुबह को जब बच्चा विद्यालय पहुंचा तो शिक्षक नुकुल यादव आग बबूला हो गए और बच्चे की जमकर पिटाई करने लगे। बच्चे की चीख पुख से आसपास के लोग विद्यालय के आसपास पहुंचे। पिटाई होता देख किसी ने बच्चे के परिजन को इसकी सूचना दी। इसके बाद बच्चे के परिजन विद्यालय पहुंचे। परिजनों ने अपने बच्चे को दर्द से मिलता हुआ पाया। बच्चे के कर्मपट्टी पर थप्पड़ के था। उसकी पीठ पर छड़ी के कई निशान देखने को मिल रहे हैं। बच्चा दर्द से चिल्ला रहा था। परिजन आने पर बच्चे को अस्पताल ले गए और उसका प्राथमिक उपचार कराया। घटना से बच्चा पूरी तरह समा हुआ है। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस से भी इसकी शिकायत की। इसके बाद पुलिस विद्यालय पहुंची और आरोपी शिक्षक से पूछताछ की। मामले को लेकर पूछे जाने पर BEO जगन्नाथ प्रसाद ने बताया कि मामला अभी संज्ञान में आया है। शनिवार को इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर धनबाद के कतरास स्टेशन पर हो वनांचल एक्सप्रेस का ठहराव, बोले गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी। धनबाद रेल मंडल संसदीय समिति की बैठक सांसद गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि गोमो स्टेशन के फुट ओवरब्रिज का कार्य अभी तक अधूरा है जबकि DRUC की बैठक में जल्द इसे पूरा करने की बात कही गई थी। गोमो स्टेशन के दक्षिणी छोर में मोटरसाइकिल स्टैंड के लिए रोड के लिए सीट बनवाया जाए, लाइट की समुचित व्यवस्था हो, गोमो स्टेशन के साउथ एंड में स्टेशन का सौंदर्यीकरण कराया जाए, गोमो में पूर्वा जोधपुर लालकुला एक्सप्रेस का ठहराव किया जाए। तो वहीं दूसरी ओर हाई स्कूल में अब शिक्षक के 8 पोस्ट, पहली बार कंप्यूटर साइंस भी शामिल। झारखंड के 189 अपग्रेड हाई स्कूल में बद सीजन किया गया है। विद्यालय में कुल 1890 पर शिक्षित किया गया है। इन विद्यालयों को वर्ष 2016-17 में मध्य से उच्च विद्यालय में अपग्रेड किया गया था। विद्यालय को हाई स्कूल में अपग्रेड करने के साथ साथ 7 साल बाद इनमें शिक्षकों का प्रशिक्षित किया गया है। इस संबंध में उसकी शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संकल्प जारी कर दिया गया है। इन स्कूलों में प्रधानाध्यापक के अलावा शिक्षक के 8 पद शिक्षित किए गए हैं। राज्य में हाई स्कूल में पहली बार कंप्यूटर साइंस के शिक्षक का पद भी शिक्षित किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर दिवंगत जज की जमीन पर कब्जा मामले में आज आरोपियों के घर पर चिपकेगा इश्तेहार। दिवंगत जज MI इकबाल की जमीन पर कब्जा मामले में लोअर बाजार पुलिस ने आरोपी पप्पू गद्दी, उसका भाई गांजा चालक संभू के खिलाफ अदालत से इश्तेहार हासिल कर लिया है। शनिवार को उनके हिंदी पीढ़ी के गवाला टोटली स्थित आवास पर इश्तेहार चिपकाया जाएगा। गौरतलब है कि 28 जून को लोअर बाजार थाना क्षेत्र के विंग्रांत चौक के पास स्थित दिवंगत जज MY इकबाल की जमीन पर कब्जे का प्रयास करते हुए दीवार गिरा दी गई थी। इस मामले में जुनैद पप्पू गद्दी सहित 25 लोगों के खिलाफ लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद इसके आधार पर उसी दिन लोअर बाजार पुलिस ने मोहम्मद जुनैद को गिरफ्तार कर लिया था। तो वहीं दूसरी ओर आज पंचायत पदाधिकारियों का सम्मान समारोह होने वाला है। झारखंड प्रदेश जमीयतुल कुरैश के तत्वावधान में जमीयतुल कुरैश पंचायत कांगाटोली क्षेत्र के चयनित पंचायत पदाधिकारियों को शनिवार को सम्मानित किया जाएगा। शाम के 4 बजे अल कुरैश तालीमी मिशन स्कूल
कांगाटोली में सम्मान समारोह होगा। यह जानकारी मीडिया प्रभारी गुलाब जावेद ने दी थी। तो दूसरी ओर आज 4.25 घंटे बंद रहेगा बीआरएस सिस्टम। देश के बड़े हिस्से में 8 जुलाई की रात 11:45 से 3:30 के बीच रेलवे का बीआरएस सिस्टम बंद रहेगा। इस कारण रेल टिकटों की बुकिंग नहीं हो पाएगी। बीआरएस डेटा सेंटर कोलकाता में डाउन टाइम गतिविधि के कारण चार्टिंग, करंट बुकिंग, इंटरनेट बुकिंग, पूछताछ और अन्य संबंध सेवाएं प्रभावित होंगी। इसका प्रभाव पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे, पूर्वी तट रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे में पड़ेगा। तो दूसरी ओर आज सुल्तानगंज रवाना होंगे टाटा मोटर्स यूनियन के 80 सदस्य। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के 80 सदस्य शनिवार को यूनियन परिसर से सुल्तानगंज के लिए रवाना होंगे। अध्यक्ष महामंत्री के नेतृत्व में बस कार से पहले सुल्तानगंज जाएंगे। रविवार को गंगा जल लेकर पैदल बाबा धाम के लिए रवाना होंगे। बाबा धाम से लौटने के बाद यूनियन प्रांगण में रुद्राभिषेक भी होगा। तो फिलहाल खबरों बस इतना ही थी। कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि शाम दोपहर के समाचार के साथ आ रही, तो मेरी खबर पसंद खबरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।